हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अली मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर नाउ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लेनोवो लैपटॉप में हम आज रैम और एसएसडी अपग्रेडेशन करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं लेनोवो का ये लैपटॉप है, ये है मॉडल नंबर इसका G50 सीरीज़ का। ये है कोर i3 इसका प्रोसेसर है, थर्ड जनरेशन, और AMD इसका ग्राफिक कार्ड है। हम इसको बैक साइड में इसका मॉडल नंबर बताएंगे। ये आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, इसका मॉडल नंबर है लेनोवो आइडिया पैड G5070 सीरीज है। अभी हम इसको ओपन करते हैं लैपटॉप, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैटरी निकालेंगे इधर से लॉक्स ओपन करके। ये रहा इसका बैटरी, हमने इसका बैटरी रिमूव कर दिया है। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्क्रूज है, यहाँ पे हम 1x1 इसका स्क्रू ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके 3 स्क्रूज ओपन कर दिए हैं। अभी हम इसको फ्लैप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे से इसका बेस कवर निकलेगा, इसका कवर, बैक कवर। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसका हार्ड ड्राइव दिखा दूंगा। ये इसका हार्ड ड्राइव है, वेस्टर्न डिजिटल 1 TB का हार्ड ड्राइव है। एंड यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं ये 4 GB का रैम है। आप यहाँ पर देखिए 4 GB रैम बता रहा है आपको। और ये इसका प्रोसेसर रहेगा, वाईफाई कार्ड पूरा अंदर यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले हम इसका रैम चेंज करेंगे। यहाँ पर ये एम्प्टी स्लॉट में हम रैम लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं रैम। ये अभी हम इसको ओपन करेंगे, अभी मैं आपको रैम का क्लोजअप बता दूंगा एक बार। ये रैम है 8 GB PC3L इसमें सपोर्ट होगा। ये अभी हम इसे फिक्स करते हैं, आपको नॉचेस एक बार चेक कर लेने का रहेगा कौन सी नॉच कौन सी जगह लगेगा। उसके लिए मैं आपको अप एंड डाउन करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रेस करना रहेगा। ये अभी हमारा लॉक हो चुका है, उसके बाद हम इसको SSD इसका स्क्रू रिमूव करेंगे। ये हार्ड ड्राइव के यहाँ पर हम SSD इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके हार्ड ड्राइव के स्क्रू रिमूव कर दिए हैं। अभी हम इसको बैक साइड प्रेस करेंगे, इसको ये इसका कनेक्टर से रिमूव हो चुका है। अभी हम इसको बैक साइड से अप करके इसका हार्ड ड्राइव निकालेंगे बाहर। ये इसका हार्ड ड्राइव भी निकल चुका है, आप देख सकते हैं इसका हार्ड ड्राइव। ये WD वेस्टर्न डिजिटल 1 TB का हार्ड ड्राइव है। हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं 128 GB का SSD हार्ड डिस्क। ये आप देख सकते हैं ये AirAVX कंपनी का हार्ड डिस्क है आपको, ये 128 GB का। अभी हम ये लैपटॉप को हटा देंगे यहाँ से। अभी हम इसका हार्ड डिस्क में जो है सो वो चेंज करेंगे, केसिंग में हार्ड डिस्क चेंज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ से आप ओपन कर रहे हैं वहाँ पर ही आप जो है सो इसको स्क्रू लगाना रहेगा। एंड जैसा केसिंग निकाल रहे हैं SSD में भी आप वैसा ही केसिंग लगाना रहेगा, न तो आपको SSD का केसिंग नहीं बैठेगा यहाँ पर फ्रेम में। 1x1 करके आप इसके स्क्रूस निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी इसको रिमूव हो गया है, तो हम इसका केसिंग ऐसे ही रख देंगे इधर। अब यहाँ पे हम ये SSD इसका ओपन करेंगे, इसका हम सील तोड़ेंगे। अभी ये हम इसका सील ओपन कर चुके हैं, ये नया SSD है AirAVX का 128 GB। अभी हम इसमें फिक्स करेंगे, चलिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसका जो है केसिंग फिक्स कर दिया है दो साइड से भी। अभी हम इसमें लैपटॉप में लेंगे, लैपटॉप में लगाएंगे, लेके लैपटॉप में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका केसिंग हम फिक्स करने वाले हैं। आप कनेक्टर देख लेना अगर रहेगा, और यहाँ बोर्ड में भी कनेक्टर। तो यहाँ पर आपको जस्ट बीच पीछे रख के जो है सो इसको आपको सॉफ्टली प्रेस करना रहेगा। यहाँ पर ये प्रेस हो चुका है, तो अभी हम ये हार्ड डिस्क के लॉक लगा देंगे इधर स्क्रूस। वन बाई वन हम इसके स्क्रूस लगाएंगे। आपके उसके 4 स्क्रूस रहेंगे हार्ड डिस्क के, 4 स्क्रूस लगाना रहेगा, तो आपको हार्ड डिस्क भी लॉक हो जाएगी इधर पूरी। अभी हम ये इसका लास्ट स्क्रू लगा रहे हैं।
अभी हम इसका लास्ट स्क्रू फिक्स कर रहे हैं, ये पूरा फिक्स हो चुका है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें 128 GB का RAMX का हार्ड डिस्क फिक्स हो चुका है, और यहाँ पर रैम भी 8 GB इंस्टॉलेशन हो चुका है। हमारा रैम अभी प्रेजेंट है 8+ 4 GB 12 GB रैम है, 128 GB SSD हमने इसमें अपग्रेड किया है। अब हम इसका बैक कवर लगाएंगे इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं वैसे ही बैक कवर रख के आपको अपसाइड प्रेस करना रहेगा। आपको ये साइज में रख देंगे, आपको फिर अपसाइड आपको प्रेस करने का है। ये लॉकिंग हो चुका है आप देख सकते हैं। अभी हम इसके लॉक्स लगाएंगे यहाँ पे स्क्रूज। इसके बाद हम इसका जैसे बैटरी फिक्स करेंगे, इधर से सेम कंडीशन में इसका बैटरी लगाएंगे। यहाँ पर बैटरी रख के जस्ट आपको प्रेस करने का है। ये बैटरी लॉक हो चुका है अभी। अभी हम ये लैपटॉप को एक बार ऑन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको ऑन कर दिया। इसका अभी बायोस में जाऊँगा F2 करके। ये मैं भी बायोस में आ रहा हूँ इसके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोस में 12 GB रैम हो चुका है यहाँ पर, और नीचे आपको हार्ड ड्राइव बता रहा है यहाँ पर, हार्ड ड्राइव 128 GB का हार्ड ड्राइव भी आ चुका है। ये हमारा कोर i3 4th जनरेशन का ये प्रोसेसर है इसका। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, जितना हो सका उतना कमेंट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।